फैमिली गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और बताइए आप लोग क्या करें इस वक्त? मैं भी नहाई हूँ, नहा के जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद नाश्ता बनाना है, काम करने है सर। मैं आगे के ब्लॉग्स में दिखाऊंगी हमारे सोसाइटी में गणतंत्र दिवस की फंक्शन है वो होंगे, मैं सब दिखाऊंगी आगे आप लोगों को। आप लोग जुड़े रहिए। As a place where we do not mourn the dead, but instead celebrate the life of a soldier. आज मैं आलू की और मटर की पूड़ी बनाने जा रही हूँ। मैंने आलू उबाल लिया है, मटर भी, बस ये छील के अभी तो मसाला तैयार करके फिर इसको बनाऊंगी। मैं आप लोग के साथ रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ। हमारे यहाँ ऐसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं इसको करने सब रेडी करने के बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे सोसाइटी में। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज भी इतने धर्म जाति सब में बटे होकर भी आज एक है। यही हमारे देश की सुंदरता है कि हम विविधता में भी एकता है और हमें ऐसे ही आगे बरकरार रखना है। और देश प्रेम की बात आती है तो जरूरी नहीं है कि हम हर आदमी सीमा पे जाके देशभक्ति दिखाए, पर अगर हर प्रत्येक आदमी अगर अपना काम ईमानदारी से करे, सब टैक्स भरे और सही से करे तो वो देश की सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। धन्यवाद। Very nice. Hi everyone. मैं सॉरी, मैं थोड़ा बाहर सोसाइटी में चले गई, मुझे वो दिखाना था आप लोगों से ना, शेयर करना था, फंक्शन हो रहा था तो मेरे लिए आप लोग से शेयर कर दूँ, इसलिए ये थोड़ा लेट हो गई। मैं आपको ये बता देती हूँ, मैंने आपसे बोला था रेसिपी शेयर करूँगी। मैं आज बना रही हूँ कटहल की सब्जी एंड आलू मटर की पूड़ी। इसमें मैंने आलू मटर की पूड़ी में मैंने डाला है लहसुन, अदरक, मिर्ची, जीरा और हल्दी और ऊपर से हरा धनिया। मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने डो भी तैयार कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे काटा है प्याज और एक रखा है टमाटर, और मैंने ये सब्जी भी है कटहल की, और मैंने मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। अब मैं चल रही हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसके बाद मैं इसको थोड़ा भूनूंगी तेल डाल के। तेल डाल के इसको भूनने के बाद फिर मैं वो कर आप फिर पहले तेल डाल लेते हैं। थोड़ा डालूंगी तेल क्योंकि मुझे इसको पहले भून के निकालना है, उसके बाद फिर मैं ये प्याज को मैं तेल में फ्राई करके फिर मसाला डाल के फिर टमाटर डाल के भून लूँगी। वैसे ही सब्जी बनाती हूँ कटहल की। आप मिल गया। आप कैसे बनाते हैं ज़रूर शेयर करिएगा।
चलिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा भून लेती हूँ तेल में। इसको थोड़ा लाल होने तक भूनूंगी मैं, उसके बाद फिर मैं मसाला डालूंगी। चलिए मैं इसको भून लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। देखिए मैंने इसको भून के निकाल लिया है, अभी मैं चल रही हूँ, तेल डाली हूँ, अभी इसमें मैं डालूंगी तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद मैं प्याज डालूंगी, ऑनियन, भुनने के बाद फिर मैं इसमें मसाला डालूं। मैंने मसाला पीसा है, इसमें मैं क्या क्या डाली मैं अभी आपको दिखाऊंगी मसाले में। और कहाँ जा रहे हो अक्ष? मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर। बाहर खेलने के लिए रेडी है जाने के लिए। शशांक का भी वही हाल है, शशांक भी रो रहा है। शशांक अभी कपड़ा नहीं पहना इसलिए कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है। मैंने इसमें मसाला डाल दिया। मसाले में मैंने लिया है अदरक, लहसुन, मिर्ची और धनिया, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला भी लिया है मैंने, और एवरेस्ट का लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब मैंने टमाटर काट लिया है, उसके बाद भी मसाला थोड़ा पक जाएगा तो मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। अभी मसाला मेरा थोड़ा और पक जाए फिर मैं जब तक उसको मैं ढक देती हूँ, उसके बाद मैं ये चलूँ पूड़ी बनाऊँ। पूड़ी बनाऊँगी अभी। मसाला हमारा पक गया है, अब मैं इसको डाल देती हूँ। डाल के इसको थोड़ा टाइम में अच्छे से भून लूँगी। मैं थोड़ा एक दो मिनट, तीन मिनट, दो से तीन मिनट तक मैं भी इसको भूनूंगी अच्छे से। फिर भूनने के बाद इसमें मैं बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से और मैं नमक डाल के पकाऊंगी। और देखिए यहाँ पे मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप इस पे कोई भी तेल या घी या रिफाइंड ऑयल आपको जो अच्छा लगे आप उसको लगा सकते हैं। ऐसे हम करारे करारे पराठे तैयार कर लेंगे, भर लेंगे इसको, भर कैसे बना लेंगे। सब्जी भी मेरी तैयार हो गई, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सब्जी भी। पहले मैं इसको ऐसे भर लूँ ताकि ये फटे ना। ऐसे करके ऐसे ओके इसको हम उतार लेते हैं। इसी तरह हम धीरे धीरे करेंगे ताकि ये फटे ना, ऐसे धीरे धीरे बेल लेंगे। जी बहुत अच्छी बनी है। आइए दोस्तों आप लोग भी खाकर खा लीजिए, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए। बाय बाय।